Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So how are you all? I hope you all are doing great and amazing. So आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं गवर्नर हाउस. सो बेसिकली क्या था वहाँ पर, यूजुअली वो नहीं खुलता था फॉर आम पीपल. लाइक वो सिर्फ जैसे कि अगर उनकी कुछ मीटिंग्स होती थी पर्टिकुलरली या कुछ बड़ा इवेंट होता था मंत्री वगैरह का, उसी केस में खुलता था. बट नाउ इट्स ओपन फॉर एवरीबडी, स्पेशली टूरिज्म के लिए खोला गया है, जो कि है सिर्फ दो दिन के लिए, सैटरडे और संडे. सिर्फ वीकेंड्स पे फ्रॉम 2 to 5 PM. तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:05 है. सो वी आर ऑलरेडी वेरी लेट. तो अब हम फटाफट निकलते हैं. अभी राइट नाउ मैं हूँ निगम बिहार के पास और वहाँ से हम पैदल जाएंगे एंड पहुँच के फिर मैं आपको मिलती हूँ. बाकी कहाँ कहाँ से आप जा सकते हो वो वाली डिटेल भी मैं आपको दे दूँगी आगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो. सो अभी हम निकल चुके हैं पैदल पैदल यात्रा, निगम बिहार से ऊपर को जा रहे हैं. वैसे आप छोटा शिमला से भी आ सकते हो. एंड सी मेरे साथ कौन है. इसके चैनल का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, इसको सब्सक्राइब कर लेना प्लीज. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो या अभी हम यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे एंड देन दिखाते हैं आपको निगम बिहार से ऊपर की साइड को. और अगर छोटा शिमला से आ रहे हो तो भी आपको निगम बिहार ही उतरना पड़ेगा. कोई एज सच ट्रांसपोर्ट का व्हीकल नहीं जाता है इस एरिया में, तो इसीलिए आपको अपने पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा. सो लेट्स गो. सो इस तरीके के रास्ते दिखेंगे गाइस आपको यहाँ पर. और इतनी सुंदर सुंदर लोगों के घर है ना, वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे तो. एंड ये गवर्नमेंट एरिया है पूरा का पूरा एरिया है, बिकॉज शी इज़ फीलिंग थर्स्टी एंड आई एम फीलिंग हंग्री. यहाँ पे आपको डॉगूज भी दिख जाएंगे जो कि बहुत डेंजरस है. एंड ऑल्सो ये है राहत रेजेंसी, इससे ऊपर को जाना है आपको. जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे है दो मोड़, तो उससे ऊपर को जाना है आपने. आपकी जो डेस्टिनेशन है विद इन 5 मिनट आ जाएगी. एंड यहाँ पर दो मोड़ दिखेंगे, हमें अगली साइड को जाना है. तो देखते हैं ऊपर ऊपर वाला रोड जाएगा हमारा राजभवन एंड देन नीचे वाला जाएगा सेक्रेटरीट की साइड को, और वो वाला जाएगा आपका KNH की साइड को. सो ठीक है जी, तो यहाँ से आगे जाते हैं. अब आपको मिलते हैं अराउंड 500 meters के बाद डायरेक्टली राजभवन के गेट पे. यार हमने बात की थी उनसे, देन दे सेड कि यू कैन शूट, तो लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ अ जो भी जो इनोग्रेट किया इन लोगों ने कि आम जनता के लिए भी, तो उसका यहाँ पर बोर्ड लग रखा है. ये भी अगस्त में ही हो रखा था. सो दिस इज़ द एंट्रेंस गेट एंड दिस इज़ माई गर्ल. और यह है रिसेप्शन वाला. इस एरिया से आपको जाके टिकट्स परचेज करनी है, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं. तब हम वेट कर. सो गाइस अभी हमने टिकट्स ले ली है. सो हमें पड़ी है 30 rupees each. और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ID दिखानी पड़ेगी. एंड 10 साल से नीचे हो तो भी आपको फ्री है. एंड बाकियों को और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए 30 rupees है. एंड जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 50 rupees की टिकट यहाँ पर लगने वाली है. एंड ऑल्सो भी मैं बाहर वेट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि ग्रुप्स में लोग जाते हैं. बेसिकली पहले आपको एक फ़िल्म दिखाई जाती है एंट्री से पहले, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इस प्लेस के बारे में. लाइक सोनिया गांधी जी के टाइम से ही जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई है, उन सबका एक आपको पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. देन आपकी एंट्री होगी राजभवन के अंदर, जहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है. मुझे इस चीज़ का ध्यान पता ही नहीं क्यों नहीं आया, बट या वट एवर इट इज़, कैमरा इज़ नॉट अलाउड. तो आई डोंट नो वेदर शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल अगर नहीं होगा तो बाहर आके फिर बताते हैं आपको हम सारी की सारी चीज़ें जो भी होती है यहाँ पर. एंड एक पर्सन के लिए आई गेस 30 minutes से ऊपर का टाइम नहीं है. विजिटिंग टाइम मोस्ट मुझे लगता है 30 minutes होगा, जिसमें से 15 to 20 minutes ही दिखाएंगे आपको मूवी. देन आपको अंदर घुमाएंगे, एक गाइड होंगे, गाइड आपको पूरी एक एक जगह की डिटेल समझाएंगे अच्छे से, ताकि आप यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जान सको. सो चलिए फिर वेट करते हैं एंड देन मिलते हैं. सो गाइस दिस इज़ द टिकट, जिसमें बैक में टर्म एंड कंडीशन भी लिखी हुई है कि दिस टिकट इज़ नॉन रिफंडेबल, टिकट अमाउंट इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल भी है. जिसके नाम की है वही जा सकता है. दिस विजिट कैन शूट राजभवन फॉर्मली known as Barnes Court is the official residence of our governor of Himachal Pradesh. It is located at the capital of Satay, Shimla, Himachal Pradesh. This is the 360 degree aerial view of the governor house. ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये हमारी राजभवन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से ली गई है. इससे पहले जो हमारा राजभवन था वो हमारा पीटर हॉफ में था.
द समित हॉल एट अ ग्राउंड फ्लोर नेम्ड एज कीर्ति कक्ष हैज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज ए फेमस शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइन हेयर ऑन 3rd July 1972 बाई द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान श्रीमती इंदिरा गांधी एंड आज भी राजभवन में हमारी हिमाचल की संस्कृति से लेकर उस टाइम पे जो वेपन्स यूज़ होते थे उस टाइम के जो पिक्चर्स है उस टाइम के जो गेम्स के रूम था बेसिकली स्नूकर गेम और जितने भी वेपन जितने भी टूल्स वहाँ पर यूज़ होते थे आज भी वो प्रिजर्व करके रखे हैं। गाइस मैं आ चुकी हूँ बाहर वापस। अभी आपने पूरा देख लिया होगा फ़ोटोज़ में, तो लेट मी एक्सप्लेन कि वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं। आपको अपने फ़ोन और अपना लगेज पर्स वगैरह सब कुछ बाहर छोड़ के जाना होता है, तो कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं होती है अंदर। आप खुद जाते हो, वहाँ पर एक कैमरे वाले सर है जो कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह खींच देते हैं। आप उनसे अगले दिन ले सकते हो तो अगले दिन हमें मोस्ट प्रोबेबली कल मुझे मिल जाएगी। तो आई विल ट्राई टू पोस्ट दिस व्लॉग ऑन मंडे, तो आज संडे है तो मंडे तक मैं कर ही दूंगी मोस्ट प्रोबेबली। बाकी लेट्स सी, हमें पिक्चर्स कब मिलती है। तो वो पिक्चर्स वाले सर वाज लाइक डैम अमेजिंग। आपको पूरी डिटेल दी जाती है वहाँ पर एक एक रूम की एंड द बेस्ट पार्ट की जो अगर 1800 की चीज़ मतलब जो पुरानी है ना, जैसे पुरानी चीज़ है वो वेज़ एज इट इज़ ही है, तो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी। गांधी जी की फ़ोटोज़ है वहाँ पर, वो चीज़ें दिखेगी वेपन से पुराने, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एंड ऑल्सो द एरिया, द एटमोसफियर, द वाइब इज़ जस्ट अमेजिंग। सो आई हाईली रिकमेंड, शिमला आ रहे हो तो यू हैव टू गो देयर, है ना। एंड ऑल्सो अगर नहीं शिमला वाले हो देन फिर भी एक बार जाइए गवर्नर हाउस एंड वहाँ की वाइब फील कीजिए, बहुत पॉजिटिव वाइब है वहाँ पर। एंड द बेस्ट पार्ट जो स्टाफ मेंबर है अमेजिंग, दी ऑल आर जस्ट अमेजिंग। तो दिस इज़ अ मस्ट मस्ट विजिट प्लेस, शिमला आ रहे हो तो एक बार अपनी जो लिस्ट बना के आते हो ना जाने वाली, तो उसमें इसको भी ऐड कर लेना आज ही बकेट लिस्ट में, आपने इसको ऐड कर लेना और जाने का टिक ज़रूर कर लेना। एंड या जितनी डिटेल होगी एट पॉसिबल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको पता चल जाए यहाँ के बारे में। एंड ऑल्सो जो मुझे पता चल रहा है शॉर्टेस्ट प्लेस, अभी मैं छोटा शिमला पहुँच चुकी हूँ जहाँ पर वो बड़ी वाली पार्किंग है, यहाँ से अगर ऊपर आज जाओगे आपको तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। हम काफ़ी अलग चल तरीके से चले गए थे, तो डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एड्रेस वगैरह की। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, इट्स अप टू यू। एंड पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस प्लेस पे आ सके और यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब है ना उसको जी सके। सिया दैट्स ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।